मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मॉरल वैल्यू के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे चिकी एंड टॉमी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बर्ड चिकी, एक पक्षी चिकी एंड ए टॉर्टोइज, एक कछुआ टॉमी लिव्ड इन ए जंगल, एक जंगल में रहते थे। यानी एक समय की बात है, एक पक्षी चीकी थी और एक कछुआ टॉमी था जो वहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। चीकी यूज टू लिव ऑन ए ट्री। चीकी रहने के लिए किसको काम में लेती थी? पेड़ को, यानी पेड़ के ऊपर रहती थी। एंड टॉमी यूज टू रेस्ट अंडर दैट ट्री। और टॉमी कहाँ रहता था? पेड़ के नीचे रहता था। वन डे टॉमी मेड फैन ऑफ चीकीज हाउस, एक दिन टॉमी ने चीकी के घर का मजाक बनाया। ही सेड, उसने कहा, योर हाउस इज सो शबी। उसने कहा, तुम्हारा घर बहुत ही जर्जर है। इट हैज नो रूफ, इसके ऊपर छत नहीं है। इट इज मेड फॉर ब्रोकन ट्विंग्स, यह टूटी हुई टहनियों से बना हुआ है। एंड लुक्स सो अगली, और दिखने में बहुत ही भद्दा लग रहा है। द वर्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू मेक सो मैनी इफेक्ट्स टू बिल्ड हिज अगली होम। इस बेकार घर को बनाने में हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, यह बहुत ही मुश्किल है। माई सेल इज मच बेटर टू लिव इन देन योर अगली होम। यानी मेरी खोल, यानी मेरा घर आपके घर से क्या है? बहुत ही अच्छा है। यानी आपका घर तो क्या है? बहुत ही भद्दा है। और मेरा घर क्या है? मेरी खोल, यानी मेरा घर क्या है? बहुत ही अच्छा है। चीकी रिप्लाइड पोलिटली टू टॉमी। चीकी ने विनम्रता से टॉमी को जवाब दिया, आई नाउ दैट माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विंग्स। यानी मैं जानता हूँ कि मेरा घर टूटी हुई टहनियों से बना हुआ है। इट लुक्स अगली एंड इट हैज नो रूफ, यह देखने में बहुत ही भद्दा है और इसके ऊपर छत भी नहीं है। बट आई हैव बिल्ट इज माई सेल्फ, लेकिन मैंने बनाया है, बिल्ट यानी बनाया है, माई सेल्फ मेरी सुरक्षा के लिए, लेकिन मैंने इसे मेरी सुरक्षा के लिए बनाया है। एंड आई लाइक इट, और यह मुझे पसंद है। टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, इट इज जस्ट एन ऑर्डनरी नेस्ट, यह क्या है? टॉमी ने कहा, इट इज जस्ट ऑन ऑर्डनरी नेस्ट। टॉमी ने कहा, यह एक साधारण घोंसला है। माई हाउस इज बेटर देन योर्स, मेरा घर आपके घर से बहुत ही अच्छा है। आई थिंक यू आर ज्वेल्स ऑफ माई हाउस, मैं सोचता हूँ कि आप मेरे घर से ईर्ष्या करते हो। टॉमी क्या था? एक बहुत ही घमंडी कछुआ था। उसने कहा चिड़िया से कि मैं सोचता हूँ कि आप मेरे घर से बहुत ही ईर्ष्या करते हो। चीकी स्माइल्ड एंड सेड, चीकी मुस्कुराई और कहा, आई एम नॉट एट ऑल ज्वेल्स, मैं आपके घर से कोई ईर्ष्या नहीं करती हूँ। माई हाउस हैज इंजॉय इन स्पेस फॉर माई फैमिली, मेरा मेरे घर के अंदर मेरी फैमिली आराम से रह सकती
है। योअर सेल इज सो स्मॉल दैट ओनली यू कैन स्टे इन इट। आपकी खोल यानी आपका घर तो उतना ही है जिसमें आप अकेले ही रह सकते हो, यानी आपकी खोल बहुत ही छोटी है, आपका घर बहुत ही छोटा है जिसमें आप अकेले ही रह सकते हो। और मेरा घर तो क्या है, मेरी फैमिली उसमें आराम से रह सकती है। इट इज़ ट्रू दैट योअर हाउस इज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। यह सही है कि आपका घर क्या है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मजबूत है। चिकी ने टॉमी से क्या कहा कि मेरे घर में तो क्या है, मेरी फैमिली आराम से रह सकती है, लेकिन आपके घर में तो सिर्फ क्या है, आप ही अकेले रह सकते हो। तो लेकिन ये सच है कि आपका घर मेरे घर से क्या है, बहुत ही सुंदर है और मजबूत भी है। बट पीपल लिविंग इन ए हाउस मेक इट होम। लेकिन लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, वही घर होता है। यू लिव ऑल अलोन एंड आई लिव विद माई फैमिली। आप अकेले रहते हो और मैं मेरी फैमिली के साथ में रहती हूँ। सो माई हाउस इज बेटर देन योर हाउस। इसीलिए मेरा घर आपके घर से बहुत ही अच्छा है। टॉमी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज्ड टू चिकी। टॉमी क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, टॉमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने क्या है, चिकी से माफ़ी मांगी। मोरल, एक क्रोवडेड हैट इज बेटर देन ए लोनली मिशन, यानी लोगों से भरी हुई झोपड़ी खाली हवेली से भी अच्छी होती है। यानी जब लोग मिलके रहते हैं वो घर क्या है, बेटर होता है, अच्छा होता है, जबकि एक बड़ी सी बिल्डिंग खाली हो। यानी खाली जो बिल्डिंग होती है, खाली जो मकान होता है, उससे एक झोपड़ी में रहने वाले लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी वो अच्छी मानी जाती है कि लोगों का वहाँ समूह रहता है, ना कि अकेला रहना पड़ता है। थैंक यू।